दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और हम भी ठीक हैं। और रजनी ज्वेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको रसोई बदली बदली सी नज़र आ रही होगी हमारी। तो मैं हूँ अपने दूसरे घर में, और यहाँ पे आज है हमारे ससुर जी का श्राद्ध। तो तीनों बहनें यहाँ पे, देवरानी जिठानी, मिल के खाना बना रही हैं, काम कर रही हैं। तो आज इधर ही का ब्लॉग आपके लिए आएगा। तो आज वैसे भी जल्दी उठ गए थे, तो सब काम हो गया है और नहाना धोना, उसके बाद हमने यहाँ रसोई रसोई साफ करके और खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 9 बजे तक पंडित जी को आना है। तो बस लगे हैं, और दीदी अपना नहा रही हैं अभी, उसके बाद वो पूजा करेंगी, और हम दोनों यहाँ पे मिलजुल के काम कर रहे हैं। और ये ले आए हैं कुछ पत्ते। तो इन पत्तों में हम, जैसे रखा जाता है ना कि गाय के लिए, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए, ये सब तो पत्तों में, और हमारे यहाँ तो जो चढ़ाया जाता है वो भी पत्तों में रखा जाता है। नीचे से प्लेट लगा के ऊपर से पत्तों में रखा जाता है खाना। तो यहाँ पे दीदी अब आ गई थी नहा के और छील गई आलू। तो देखिए, इस तरह से कुछ पत्ते हैं, और पत्ते भी जो है तुरई के या लौकी के होने चाहिए। ज़्यादातर हम तुरई के पत्ते लाते हैं, गाँव में तो खैर पेड़ों से लाते हैं पत्ते, वो तिमला बोलते हैं जिसको, उनके पत्तों में रखा जाता है। तो यहाँ पे हम यही पत्ते ले आए हैं, यहाँ पे कुछ और तो मिलता नहीं है, तो यही अपनी क्यारी से ले आए हैं। और बहन करती जा रही है बाहर के भी काम, और मैं यहाँ पे सब। तो पूड़ी वूड़ी तो हमारे यहाँ कोई ज़्यादा खाता नहीं है, लेकिन हमने सब्जियाँ बना ली थी, और 2-3 सब्जी हो गई थी, रायता था, खीर थी, और पकौड़ी पूड़ी ये सब हो गया था जो श्राद्धों में बनता ही है। और ये आ गए थे दूध लेके, तो मैं दीदी को पूछ रही थी कि पूजा के लिए कितना दूध निकालना है। तो दीदी सब इस मामले में सब दीदी जानती हैं, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो बस उनसे पूछ के मैंने गाय का दूध भी निकाल लिया था अलग, और दही तो खैर हम बाज़ार से ही लाए थे। तो यहाँ पे हमने लॉबी में डाइनिंग टेबल भी खिसकाती थी, वैसे बाद में मेड को तो आना ही है, लेकिन हमने फिलहाल यहाँ पे पूजा होती है तो पूजा के कमरे के बाहर वहाँ पे लॉबी है, तो वहीं पे हमने पूजा वहीं पे करते हैं, तो वहीं का सब सामान हटा दिया इधर उधर, और उसके बाद वहाँ पे कर देंगे फिलहाल सफाई। तो लगातार आते हैं सास ससुर जी के हमारे श्राद्ध। तो कल का श्राद्ध सुन रहे हैं कि हमारे यहाँ कहते हैं कि श्राद्ध गल गया, मतलब कल हम मना नहीं सकते, तो हम चतुर्दशी को मनाएंगे उसको। तो नहीं तो लगातार आज भी और कल भी हम श्राद्ध करते हैं। तो आज करेंगे तर्पण, तो 2 श्राद्धों में एक दिन हम तर्पण करते हैं, तो मतलब जेंट्स लोग ही करते हैं। और यहाँ पे बहन लगा रही है झाड़ू, और मैं चढ़ा रही हूँ सब्जी। तो दीदी ने छील लिए थे आलू, और मैं आलू काट के उसको छौंक लूँगी, और आलू की बनाई थी हमने सूखी सब्जी, तो बस ये आलू छौंक रही हूँ मैं यहाँ पे। और बहन का लग गया झाड़ू पोछा, और इस यहाँ पे कर देंगे हम फिर पूजा की तैयारी, सब सामान रख देंगे, फिर पंडित जी अपने आप ही उसको फिर सेट करेंगे। और यहाँ पे दीदी कर रही हैं पूजा। तो 2 सब्जियाँ तो बहन ने चढ़ा दी थी, फिर मैंने कहा तुम और काम कर लो, फिर मैं ये कर लेती हूँ, ये सब्जी आलू की मैं बना देती हूँ, तो ये मैंने बना दी है। और साथ साथ में क्योंकि खीर रखी है इंडक्शन पर, तो खीर भी बीच बीच में चलानी पड़ती है, तो बहन भी चली गई थी अपनी तरफ दिया जलाने के लिए, और जब वो आ जाएगी उसके बाद मैं जाऊंगी दिया जलाने, और दीदी तो कर ही रही है पूजा। तो बस इसी तरह से जब कोई इस तरह का काम होता है कुछ, मतलब पूजा उजा का ये सब, तो हम इकट्ठे सब बनाते हैं। वैसे भी जब घर में मेहमान आ जाते हैं, तो आपको पता ही है कि मैंने बताया था आपको कि हम सब लोग इकट्ठे ही बनाते हैं खाना, तो इसी तरह हमारा चलता है काम। तो तीनों तरफ घूमते रहते हैं तीनों घरों में, कभी कहीं कभी कहीं। और इधर खीर बन रही है, और इधर मैं गूंद रही हूँ आटा। तो आटा मैं पूड़ियों के लिए भी गूंद रही हूँ, तो पूड़ी थोड़ी सी बनाएंगे। और दीदी ने चढ़ा दी अपने लिए चाय, तो वो सुबह से चाय वाय नहीं पीती हैं, हम तो सबसे पहले उठ के चाय ही पीते हैं, तो दीदी पानी वानी पीती हैं, उसके बाद नहा धो के फिर चाय पीती हैं पूजा वूजा करने के बाद।
और यहाँ पे बहन जी भी आ गई थी पूजा करके, और अब है मेरी बारी, अब मैं जाऊंगी पूजा करने। बूंदाबांदी हो रही है और आज फिर से मौसम खराब हो गया है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और लगता है कि आज भी बारिश आएगी। तो बस मैं आ गई थी इधर दिया जलाने, तो दिया जला के फिर मैं उधर ही चली जाऊंगी और तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। और अब मैं फिर से आ गई थी इधर और पहुंच गए थे पंडित जी भी और अपनी तैयारियां शुरू कर रहे थे। और कुछ इस तरह से होता है तर्पण, तो अपने सास ससुर जी की फ़ोटो रख दी गई है यहाँ पे चौकी में और पूजा का सामान रख दिया गया है जो भी करना होता है। और गंगा जल ले आए थे, ये गंगा जल मिला देंगे दोनों लोटों में और इससे होगा तर्पण। फिर इसमें कुछ मिलाते हैं पंडित जी, दूध दही घी बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद जौ तिल, उसके बाद ये जनेऊ पहना रहे हैं। और इसी में कुछ होता है, कुछ उसको उंगली में पहनना पड़ता है और उससे फिर पूजा होती है। और यहाँ पे बता दूं कि ये सब काम जो भी तर्पण का होता है ये हमारे जेठ जी करते हैं, लेकिन आज वो गांव गए हुए हैं तो इस वजह से वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो तीनों भाई बैठे रहते हैं और तीनों भाई पूजा करते हैं, लेकिन जो ये वाला काम है वो वही करते हैं। तो सबसे बड़े हैं परिवार में तो वही सब इस तरह के काम करते हैं जो भी इस तरह की पूजा होती है। तो बस आज दोनों भाई हैं यहाँ पे, देवर हैं मेरे और हस्बैंड है, और दीदी बैठ गई हैं यहाँ पे चेयर पे और देवर भी आ गए हैं। अब दोनों भाई मिलके करेंगे यहाँ पे तर्पण। और यहाँ पे बाकी सब काम तो हो गया था, बस मैं पूड़ी भी बन गई थी, पकौड़ी निकाल रही हूँ साथ के साथ, और बाकी सब खाना वाना रेडी हो गया है। तो इस तरह से होता है तर्पण हमारे यहाँ। तो अब लगभग तर्पण पूरे होने वाले हैं और उसके बाद हम भी थोड़ा सा आशीर्वाद लेंगे पंडित जी का। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, तो आप ज़रूर बताना, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी करना और लाइक ज़रूर करना। अगर आपके यहाँ भी इस तरह से होता है तो आप बता सकते हैं, और हम लोग तो इसी तरह से करते हैं सब मिलजुल के। वैसे तो हमारे यहाँ आसपास जो बेटियाँ हैं अपने घर की, उनको बुलाया जाता है और पंडितों को खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारी एक ही नंद है, वो भी बीमार हैं तो इस वजह से वो आ भी नहीं सकती। तो बस घर में ही पंडित जी को दे देंगे और उनके लिए घर में भिजवा देंगे। तो अब लगभग तर्पण पूरे होने वाले हैं और इस तरह से कुछ होता है, कुछ ऊपर से डाला जाता है, अपने जितने भी पितृ होते हैं उनका नाम यहाँ पे लिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस समय वो हमारी बात सुनते हैं, हमारे नज़दीक होते हैं, आसपास होते हैं। तो बस यहाँ पे अब हम भी इस तरह से धागा वागा बंधवा के और यहाँ पे ये जो तर्पण वाला जल है उसमें हाथ ऐसे डालते हैं तीन बार। तो एक एक करके हम तीनों बहनों ने भी यहाँ पे पंडित जी का आशीर्वाद ले लिया था और उसके बाद होगा खाना। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताना, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।